हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हर रोज की तरह मैं आज भी नौकंटा का रीडिंग करूंगी, लेकिन आज का जो रीडिंग होगा फुल मून बेस्ड रीडिंग होगा कि फुल मून के दिन आपके पर्सन की एनर्जी कैसा है, क्या सिचुएशन है, नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आप लोगों को पता होगा, जो लोग मेरा रेगुलर व्यूअर्स हो, कि मून के टाइम पे, न्यू मून फुल मून के टाइम पे इमोशनल बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आते हैं, इल्यूजन होता है। तो आपको भी बैलेंस रहना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होनी है। और आपको ये जानना है कि इस टाइम पे बहुत सारे टिगर्स मिलते हैं अपने कार्मिक से, ठीक है, और पार्टनर से, और जो भी आपके अंदर कमियां हैं वहां से ही आपको टिगर मिलते हैं। तो यहां से आपको सीखना होगा और पावर में आनी होगी, स्ट्रेंथ गेन करना होगा। इसके लिए डिवाइन जो है आपका परीक्षा लेते रहते हैं, डिवाइन की तरफ से टेस्ट लिया जाता है आप लोगों से, ठीक है, सबसे, हमसे भी लिया जाता है, तो जिसकी वजह से आपको बैलेंस रहनी है। तो चलिए आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपका एनर्जी तो मैं चेक नहीं कर रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी कैसा रहने वाला है। आपका एनर्जी तो आपको पता ही है कि आप कैसे हो, तो वहाँ पर हम गाइडेंस में देख लेंगे, जो भी मुझे लगेगा मैं आपको गाइड कर दूंगी। चलिए देखते हैं। तो बहुत टाइम से मैंने ये डेक यूज़ नहीं किया जनरल प्रेडिक्शन पे, तो इसको मैं यूज़ करूँगी और मैं पर्सनल रीडिंग इस डेक से करती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बहुत ही लाकी डेक है, फेवरेट डेक है और एनर्जी एक्यूरेट आते हैं। तो चलिए आज जनरल प्रेडिक्शन हम यहाँ से करेंगे। ओके, प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स। जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, लेस कांटेक्ट, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, उनके लव्ड वन की कारण सिचुएशन कैसा है, मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की कारण सिचुएशन। कार्ड कैसे आ रहे हैं, देखिए कार्ड उड़ के आ रहे हैं आपके तरफ। पैसा पैसा, माय गॉड, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। देखिए तीनों कार्ड आए हैं, तीनों कार्ड पैसों से रिलेटेड हैं, तो फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपके पर्सन को। ब्रेकअप सिचुएशन अगर है तो आपके पर्सन जेस्चर कर सकते हैं आपको। देखिए यहाँ पर भी वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, जेस्चर कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए वो आपको अप्रोच कर रहे, जेस्चर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए वो आपको दे रहे हैं, मतलब आ रहे हैं आपके तरफ। जो भी वेटिंग सिचुएशन था, थर्ड पार्टी सिचुएशन था, देखिए मैंने बोला नहीं, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वेंस। जो भी आधा चॉइसेस था, कंफ्यूजन था, क्या करे ना करे समझ में नहीं आ रहा था, प्यार को चूज़ करे, फैमिली को चूज़ करे, करियर को चूज़ करे, अदर पर्सन को चूज़ करे, तो यहाँ पर वो प्यार को ही तवज्जो देंगे, क्योंकि जो है वो प्यार को ही चुनेंगे। अगर इतने टाइम उन्होंने दूसरों को प्रायोरिटाइज किया, दूसरों को देखा, चाहा, आपको इग्नोर कर दिया, तो इस बार उन्होंने इस कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे और खुद के प्यार को चुनेंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है, ओके, साइन में बता देती हूँ। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर बहुत ही स्ट्रांग है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, एरिस लियो सजिटेरियस, ओके, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, तो सारे साइन आ गए हैं यहाँ पर। ओके, जैसे कि मैंने पहले बोला कि वो आपको जेस्चर करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ उनके फाइनेंस में जो है, अगर जॉब नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पर उनको करियर में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मिलने वाले हैं। आपके पर्सन आपको कमिट कर सकते हैं आने वाले टाइम में, या फिर जब भी आप देख रहे हो, वो एक कमिटमेंट, एक अप्रोच सामने से लेके आना चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए। सेकेंड चांस मांग सकते हैं आपके पर्सन, जो लोग एक्स के लिए देख रहे हो। और यहाँ पर देखिए बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, जो भी प्रॉब्लम हो चुके हैं आप दोनों के बीच, उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, प्यार का इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं। इतना टाइम जो भी उन्होंने इनजस्टिस किया है, दूसरों को प्रायोरिटाइज किया है, आपको इग्नोर कर दिया है, नेगलेक्ट कर दिए है, तो इस बार जो है वो गलत नहीं करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। जितना आप दिया है उतना वो लौटाएंगे इस टाइम पे, यही उनकी जो है करंट फीलिंग्स है, करंट सिचुएशन में ऐसा सोच रहे आपके पर्सन। साथ ही साथ उनके फाइनेंस में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहे थे, तो यहाँ पर इस टाइम पे बैलेंस हो सकते हैं। चैरियट का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं आज के दिन में, ट्रैवल कर सकते हैं आपके पर्सन, दूर से वापस आ सकते हैं आपके घर, ठीक है, घर मतलब आपके लाइफ में, ओके। और यहाँ पर मूवमेंट की एनर्जी आपको दिख रहा होगा। कुछ लोग के पर्सन बहुत क्विकली आ सकते हैं, कुछ लोग के लाइफ में न्यू पर्सन भी आ सकता है आज के दिन में। आपके घर में कोई रिलेटिव्स भी आ सकते हैं, ठीक है, ओके।
और यहाँ पर जो मैंने बताया आपके पर्सन लौट सकते हैं आपके तरफ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी हार्ट ब्रोकन है आपके पर्सन, वेट कर रहे सही टाइम का, और थर्ड पार्टी के साथ रूट कम्युनिकेशन हो रहा है आपके पर्सन की, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल क्यों आए हैं यहाँ पर, यस करियर में उनको अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं जैसे कि मैंने कहा, साथ ही साथ पैसों को लेके फाइट हो रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ओके। तो इसकी वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करके आपके तरफ आ रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल क्यों आए हैं यहाँ पर, ओके। बहुत जल्द आपके पर्सन आपके तरफ आ रहे, स्टेबिलिटी लेके, हैप्पी फैमिली, हारमोनियस यूनियन चाहते हैं। जो लोग हस्बैंड वाइफ हो, अपने बच्चे हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, मैरिड लाइफ में वापस आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया एनर्जी है यहाँ पर मैरिड कपल के लिए। क्या कॉल मैसेजेस आएंगे, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आए हैं, कार्ड कैसे आ रहे हैं, देखिए स्लीवलेस नाइट है उनका। आपके बिना बहुत परेशान है, मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है आपके बिना, वो खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके सिवा उनका कोई नहीं है। चैरिट का कार्ड, ओके, डेविल एनर्जी से बाहर आ रहे, जो भी कार्मिक है डेविल है टॉक्सिक है। देखिए यहाँ से ये जो कार्ड आते हैं ना, जैसे कि कार्ड पूरा ही आईने की तरह साफ है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, जो भी डेविल एनर्जी है एंड हो रहा है यहाँ पर। जो भी चीटिंग वाली एनर्जी था, धोखे वाली एनर्जी था, जो भी डेविल कार्मिक था, फाइनेंस में प्रॉब्लम थे, झगड़ा हो रहा था कार्मिक पार्टनर के साथ, फाइट हो रहे थे, तो ये सारी सिचुएशन एंड होगा। और जिनको वो ट्रूली चाहते हैं, जिनके साथ उनका फ्यूचर है, आगे की जिंदगी है, उनके साथ ही प्यार का इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्स क्यों आए हैं, प्लीज इनको गाइड करें। विक्ट्री, थर्ड पार्टी सिचुएशन से सक्सेसफुली बाहर आ रहे हैं, थर्ड पार्टी अगर कोई फीमेल है, मम्मी है, ठीक है, स्पेशली तो उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। अदरवाइज भी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, अगर आपकी पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, कुछ भी है यहाँ पर, अदर लोगों की इन्फ्लुएंस है, फैमिली का इन्फ्लुएंस है, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन एंड हो रहा है। फिर से सारे कार्ड बॉटम से आ गए, यहाँ पर मूविंग ऑन का कार्ड है, मूव ऑन कर रहे हैं आपके पर्सन, इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं, साथ ही साथ एंडिंग का कार्ड है, ठीक है, रिपीट हो रहा है कार्ड, ये कार्ड बॉटम से। टू ऑफ वैंड्स क्यों आए हैं यहाँ पर, इट्स अ जजमेंट टाइम, ठीक है, ये रिजल्ट घोषित करने का टाइम है। जो कार्मिक साइकिल है, जहाँ पर भी आपके पर्सन ट्रैप थे, वो साइकिल एंड हो रहे हैं और आपके तरफ एक न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हैं आपके पर्सन। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आए हैं, किसी भी हाल में वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। थर्ड पार्टी में आया है टावर, थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ टावर कार्ड, और ये आपके पर्सन खुद मैनिफेस्ट किया है, मैजिशियन की एनर्जी है। थर्ड पार्टी में टावर आपके पर्सन खुद चाहते हैं, खुद लेकर आना चाह रहे हैं, ताकि बैलेंस आ सके आपके लव लाइफ में। यहाँ पर देखिए टू ऑफ कप्स एंड यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड, यहाँ पर भी टू कप्स है और यहाँ पर भी टू कप्स है, तो प्यार का इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर करने के लिए आपके पर्सन ये सारे सब कुछ मैनिफेस्ट किया है, चाहा है, प्रे किए हैं, सोचा है, इमेजिन किया है, जिसकी वजह से ये रियलिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। नाइट ऑफ वैंड्स क्यों आए हैं, प्लीज इनको गाइड करें। यस, शादी के लिए अगर इतना टाइम आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर एक्शन लेंगे। यस, अगर आपके पर्सन सच्चे दिल से आपको चाहते हैं और आप सिंगल हो, तो डेफिनेटली कमिटमेंट मिल सकता है, शादी हो सकता है आपके पर्सन के साथ, ओके। यही आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, अगर काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, तो ये प्लानिंग एंड होगा और रियलिटी में आपको रिजल्ट दिखेंगे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो, पर्सन वापस आ सकते हैं आपके लाइफ में, जो लोग सिंगल हो, यहाँ पर शादी की बातचीत हो सकता है, शादी हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ सीक्रेट रहेगा, सीक्रेट मैरिज की एनर्जी है मुझे इस दौरान दिख रही है एनर्जी, आगे की जो मैंने रीडिंग किया है उसमें भी दिखा था ये एनर्जी। तो कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर कमिट कर सकते हैं, सीक्रेट मैरिज के बातचीत कर सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग का सीक्रेट मैरिज, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या होने वाले हैं आपके रिश्ते में। प्लीज अच्छा गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के तरफ, उनके लव्ड वन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं इस रिश्ते में। एट ऑफ कप्स, मूव ऑन करेंगे किसी सिचुएशन से आपके पर्सन, बाहर आ जाएंगे। ब्रूम, अच्छा,
झाड़ू पोछा देके निकल के बाहर फेंकेंगे जो भी गंदगी है उनके लाइफ में, टॉक्सिसिटी है, ठीक है। इमोशनली तो काफी टाइम से उन्होंने मूव ऑन कर चुके थे, अभी जो है प्रैक्टिकली करेंगे। झाड़ू पोछा मार के खुद के लाइफ से जितने भी गंदगी है, जितने भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर देंगे। ओ माय गॉड, इसके नीचे एक कार्ड है, देखिए ब्रूम की एनर्जी दिख रहा है कार्ड आपको, और इसके नीचे थ्री ऑफ कप्स, और खुद के लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएंगे। देखिए कार्ड क्या बता रहे हैं, कार्ड खुद ही बोल रहे हैं थ्री ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली जो भी नेगेटिविटी है उनको रिलीज करेंगे और खुद के लाइफ में सेलिब्रेशन लेके आएंगे, और इस बार वो न्याय करेंगे, जस्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। बैलेंस आएगा, कुछ लोगों के लाइफ में लीगल मैटर अगर चल रहा था तो वहां पर फ्रूटफुल रिजल्ट आ सकते हैं। बॉटम से सन का कार्ड विद द एस ऑफ वैंस, पॉजिटिव एंड हारमोनियस पॉस्पेरस जो है न्यू बिगिनिंग आपके तरफ आ रहे हैं। सन कार्ड विद द एस ऑफ वैंस, फायरी एनर्जी है, पैशन है, लव है, न्यू बिगिनिंग है, हैप्पीनेस है, उजाला है, बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव नेक्स्ट एक्शन है गाइस। इस फुल मून का इफेक्ट्स आपके रिलेशनशिप में बहुत ही तगड़ा पड़ेगा, बहुत ही पॉजिटिव पड़ेगा। सिक्स ऑफ सोर्स, आपके पर्सन खुद को तैयार कर चुके हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए, किसी जगह जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। कुछ लोगों के पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं आने वाले 6 आवर्स टू 6 डेज के अंदर, ठीक है। तो चले देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए कि इस टाइम पे आपको कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। आज फुल मून है तो डेफिनेटली मैं मोनोलॉजी से गाइडेंस लूंगी, बहुत ही अच्छा गाइडेंस है इन डेक में। अपने आप ही कार्ड आ रहे हैं, सो द वर्ल्ड द रियल यू, यू आर गुड इनफ, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को रिलीज करो, खुद के करियर के ऊपर, टैलेंट के ऊपर काम करो, दुनिया को दिखाओ असल में आप कौन हो और आप बहुत अच्छे हो, एंजल बोल रहे हैं आपको। प्लीज एंजल गाइड करें, क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, पावरफुल चेंज के लिए आप एक्सपेक्ट रख सकते हो, आशा कर सकते हो कि पावरफुल चेंज आएंगे। नाथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कोई भी पत्थर पे लिखा नहीं है कि वही होकर रहेगा। Impossible says I am possible. So the world the real you. देखिए ये कार्ड वापस आ गए हैं, और एक कार्ड मैं लूंगी। तो जैसे कि मैंने बोला, खुद के करियर के ऊपर, टैलेंट के ऊपर काम करो, दुनिया को दिखाओ कि आप कौन हो। कम्युनिकेशन इज की, जिनका कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो आप कम्युनिकेट करें आपके पर्सन के साथ, या तो फिर जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि बातचीत करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है तो आप कर सकते हैं। ये दोनों कार्ड वापस आ गए, यू आर गुड इनफ, तो आप बहुत अच्छे हो गाइस। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो ये जो टाइम है नेगेटिविटी रिलीज करने का टाइम है। तो तीनों सेम कार्ड वापस आ गए, ये कार्ड थोड़ा अलग था शायद, लेकिन मैसेज जो है सेम है। तो डेफिनेटली वो तीन कार्ड जो आए थे पहले ही आप सबके लिए था, फिर से रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ पर एंजल आपको क्या बोल रहा है, लग रहा है कि एंजल खुद आपको कार्ड्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से इतने मोटा डेक है, फिर भी यहाँ पर सेम तीनों कार्ड्स निकल कर आ गए फिर से। बाय द वे, तो ये है आपके लिए रीडिंग, होप आपको पसंद आया है। आने वाले टाइम में अगर रिजल्ट दिखते हैं, और इस टाइम पे अगर आपको कुछ भी रेजोनेट किया है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और रीडिंग की जो पॉजिटिव रिजल्ट है उसको क्लेम करना। फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।